भोकर विधानसभा युवा नेता उच्च शिक्षित इंजीनियर दामिनीताई दादाराव पाटील ढगेने पहली कई सामाजिक गतिविधियां की है, जिनमें से एक है भोकर विधानसभा के दान महर्षि के पिता स्वर्गीय सावजी पाटील ढगे और सामाजिक कार्यकर्ते दादाराव पाटील ढगे की स्मृति में पिंपल कौठा मगरे की 40 विधवा महिलाओं को 11,000 रुपए नगद और साड़ी चोली दी गई। तरह चितगिर के दयालगिर महाराज को सामाजिक भावना से एक बोलेरो कार उपहार में दी गई। 3. दादाराव पाटील ढगे की 25वीं शादी की सालगिरह के अवसर पर मुदखेड़ तालुका के 240 विधवाओं को 5,000 रुपए दिए गए। 4. भोकर विधानसभा के चितगिरी सीताराम नाईक टांडा के दैनिक मजदूर बाढ़ के पानी में बह जाने के कारण रामधन राठौर की मृत्यु हो गई। दादाराव पाटील ढगे ने अपने खर्च से 5,00,000 रुपए का घर बनवाया और 50,000 रुपए नगद दिए। 5. इसके अलावा विधानसभा के मुदखेड़ अर्धापुर भोकर तालुका में जिला परिषद स्कूलों और संस्थानों के 72,000 छात्रों को 1,50,000 स्कूल सामग्री साहित्य शैक्षणिक साहित्य किताबें और पेन वितरित की गए। भोकर विधानसभा के दान महर्षि कहे जाने वाले दादाराव पाटील ढगे द्वारा ऐसे कई कार्य किए गए जो अप्रतिम एवं सामाजिक दायित्व को परिभाषित करता है। भोकर विधानसभा के मुदखेड़ अर्धापुर भोकर तालुका में आत्महत्या और दुर्घटना से हुई मौतों के कारण मृत्यु होने पर 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। भोकर तालुका के पाकिटांडा निवासी स्वर्गीय हरि लखीराम राठौड़ के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। भोकर शहर के स्वर्गीय ख्वाजा मियां हसन साहब पठान के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। भोकर तालुका के लामकनी के किसान मणिका लक्ष्मण चिखल पल्ले को उनके बैल की मृत्यु के कारण 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता। अर्धापुर तालुका के ग्राम पिंपलगांव महादेव स्वर्गीय राधाबाई गिरी के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। भोकर तालुका के पांडुराना स्वर्गीय परसराम किशन डाकोरे के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। भोकर तालुका के पांडुरना स्वर्गीय अजरुद्दीन मैनुद्दीन जहागीरदार के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। मुदखेड़ तालुका के वासरी ग्राम में स्वर्गीय संभाजी शिवाजी पाटील कांजलकर के परिवार को 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता। भोकर तालुका के कोणदेव नगर तांडा स्वर्गीय धनु थावरा राठौर के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। भोकर तालुका के समंदरवादी स्वर्गीय हिरमन मांजलकर के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। भोकर तालुका के किनी स्वर्गीय नरेश रेड्डी के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। अर्धापुर तालुका के एलेगांव के स्वर्गीय श्याम संजय कपाटे के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। भोकर तालुका के मातुल स्वर्गीय भोजराम विठल रुमानवाड़ के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। अर्धापुर तालुका के लहान स्वर्गीय दिव्यांग बालाजी रावले के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। मुदखेड़ के 12 ग्राम में घर जलने के कारण क्षतिग्रस्त दापरवाड़ परिवार को 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता। मुदखेड़ तालुका के बारड़ ग्राम में विमलाबाई पिटलेवाड़ के घर में पानी घुसने से 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता। भोकर तालुका के रेणापुर स्वर्गीय श्रीनिवासी भगत मुलेकर के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। भोकर तालुका के रेणापुर स्वर्गीय यश संदीप भगत के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। मुदखेड़ तालुका के अमदोरा स्वर्गीय शिवराज रमेश पवार के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। मुदखेड़ तालुका के अमदोरा में बाढ़ के पानी में 6 बकरियां बह जाने पर किसान साईनाथ पवार को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता। मुदखेड़ तालुका के निवघा में स्वर्गीय रामराव पवार के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। मुदखेड़ तालुका के धनज गांव के स्वर्गीय माधव राघुजी पाटील घुटे के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। भोकर तालुका के जामदरी स्वर्गीय साहेबराव गणपत बनसोड के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। भोकर शहर नंदीनगर के स्वर्गीय संतोष मटकलवाड़ के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। भोकर शहर के वडरगल्ली में स्वर्गीय यल्लप्पा देवकर के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक मदद। मुदखेड़ तालुका के नागेली गांव के स्वर्गीय प्रकाश पांचाल के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। दामिनीताई दादाराव पाटील ढगे ने ऐसे कई सामाजिक कार्य किए हैं जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को इन कार्यों का सीधे लाभ पहुंचा। इसी सामाजिक कार्यों में से एक मेगा आई चेकअप कैंप
आई ऑपरेशन और साथ ही आंखों के चश्मे भी फिर दिए गए। इस साल तालुका में अधिक बरसात होने की वजह से किसानों और आम जनता को मुफ्त में बरसात के छाते दिए गए। दामिनीताई दादाराव पाटिल ढगे ने कहा कि ईश्वर की कृपा से हम इन सामाजिक कार्यों को आगे भी जारी रखेंगे। सगळ्यांना घ्या, मोफत आहे हे, सगळ्यांना डोळे चेक करून घ्या। आणि काही मोतीबिंदूचं कोणाचं असेल ते पण फुकट मध्ये ऑपरेशन होते, ते सगळ्यांनी इथे लाभ घ्या। पण ज्यांची दिली नाही त्यांनी नाव घेऊन लोकांची चळवळ म्हणजे काँग्रेस। इतकं विस्तारित रूप काँग्रेसला प्राप्त झालेलं आहे। अनेकांनी प्रयत्न केले काँग्रेस संपवायचे, ते संपले, काँग्रेस नाही संपले। हा एवढा प्रचंड इतिहास या काँग्रेसचा आहे, त्यागाचा, बलिदानाचा, देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्याचा इतिहास आहे। हे काँग्रेस की अशी कुणाला संपवता संपू शकत नाहीये। आणि काँग्रेसने नेहमीच गरिबांचा विचार केला। आज ही काँग्रेस बनते, काँग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। ही काँग्रेस की भूमिका है, आम आदमी म्हणजे सामान्य माणूस। काँग्रेस का हाथ केवळ श्रीमंतांच्याच बरोबर असं नाही म्हटलं काँग्रेसने, आम आदमी म्हणजे समाजातल्या प्रत्येक जाती धर्मातला गरीब माणूस। ही भूमिका विधानसभा मतदार संघाचे भावी आमदार इंजिनियर कुमारी दामिनीताई ढगे गोरगरीब जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणारी गरिबाची कावेरी दामिनीताई ढगे या